हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और जो भी क्लासेस मिल रही हैं उसको अच्छे से देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। आज हम लोगों का ये लास्ट क्लास होगा आपको पर्यावरण को लेकर के, और आज हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। आज आपका पर्यावरण समाप्त हो जाएगा और बहुत खुशी हो रही है कि हमने आप लोगों को विस्तार पूर्वक जितने भी टॉपिक थे उसको समझा दिया है। आपके पास पूरा का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा है, आप प्लेलिस्ट में जा करके सारे क्लासेस का रिविज़न कर सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। आज हमारा आखिरी क्लास है और फिर हम कोशिश करेंगे कोई नया सब्जेक्ट आपको जो है प्रदान करें, या किसी नए सब्जेक्ट पे हमारी क्लासेस हों आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा आपको जो है व्यवस्था जो है दी जाए, ताकि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए वो आसानी से आप सॉल्व कर लें और कहीं ना कहीं अपने लिए एक अच्छा सा सीट रिजर्व करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ हमारी जो कोशिशें हैं ये डेली जारी हैं और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में बनती हैं, वो सारे हम आपको प्रदान कर सकें या प्रोवाइड कर सके। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज भी आपके लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिसे आपको जानना है और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत है इंपॉर्टेंट। तो हम नवीकरणीय संसाधनों को देख रहे थे, नवीकरणीय संसाधनों का हमारे जीवन में क्या रोल है या हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा ये निर्धारित करेंगे नवीकरणीय संसाधन, और इन्हीं से आगे का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, ये होने वाला है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं नवीकरणीय संसाधनों में कौन सी चीज़ें हैं जो बची हुई हैं। कल हम लोगों ने सौर ऊर्जा को देखा था, पवन ऊर्जा पर भी हमने बातें की थी, साथ ही हमने जल विद्युत को भी देखा था। तो ये आपके लिए एक वर्क है कि आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं इसको बार बार रिविज़न करें, नोट करें, साथ ही ये आंकड़े ज़रूर देखते रहे कि कौन से ईयर में कौन सा देश सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में आगे है, कौन सा देश जो है वो वायु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में आगे है। ये आंकड़े बदलते रहते हैं, तो आप इनको ज़रूर देखते रहिएगा, इससे अपडेट रहिएगा। तो आज हम देखेंगे समुद्री ऊर्जा को। समुद्री ऊर्जा जो है इससे हम जो विद्युत का उत्पादन करते हैं ये तीन तरह से करते हैं। एक तो होता है समुद्री तरंगों से, दूसरा होता है समुद्र के ज्वार से, और तीसरा होता है समुद्र में जो टेम्परेचर में जो है जो विभिन्नता पाई जाती है सतह और अंदर के पार्ट में। हमें ये तीनों प्रकार के जो है देखेंगे कि कैसे यहाँ से विद्युत उत्पादन होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं तरंग ऊर्जा को। आपका जो तरंग ऊर्जा है ये ज्वारभाटा से भिन्न है। जैसे आप देखते हैं कि जो ज्वारभाटा है इनको प्रभावित करते हैं हमारे सूर्य और चंद्रमा के जो आकर्षण बल हैं। सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से ही आपके ज्वारभाटा आते हैं, और जितना ज़्यादा आकर्षण बनता है उतना ही ज़्यादा ऊँचे ज्वारभाटा की स्थिति बनती है। तो जो ज्वारभाटा है इनसे तो उत्पादन हम करते ही विद्युत का, साथ ही हम तरंगों से भी उत्पादन करते हैं। और जो समुद्र के तरंग होते हैं ये समुद्री जल को गतिशील या गतिमान बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से जो समुद्र की लहरें हैं ये हमेशा चलती रहती हैं। समुद्र में जो तरंगे हैं ये हमेशा चलती रहते हैं, ये समुद्री जल की गति को बनाए रखते हैं। तो ये जो समुद्री तरंगे हैं इनमें भी आप देखेंगे उतार चढ़ाव होता है, कभी तरंगे ऊपर जाती हैं और कभी तरंगे नीचे आती हैं, फिर तरंगे ऊपर जाती हैं और फिर नीचे आती हैं। तो जो इस तरह की सिचुएशन बनती है तरंगों के उठने और गिरने का, इसी से विद्युत का उत्पादन होता है। जो तरंगे उठती हैं और गिरती हैं इनसे हम क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं, और ये भी बहुत अच्छा सोर्स है विद्युत उत्पादन का। जो कि हमारे पास एक बहुत ही विस्तृत कोस्टल एरियाज है, अगर आप देखेंगे कि जो भी हमारे देश के राज्य हैं साथ ही जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सबको मिला लिया जाए तो 7600 किलोमीटर हमारे पास जो है तट रेखा है, कोस्टल एरियाज है, जहां पर इस तरह के तरंगों का विस्तार पूर्वक उपस्थिति है, और इनका उपयोग करके हम बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, और लगभग 40,000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन क्षमता हमें यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या ऐसी संभावनाएँ हमारे तरंगों से बनती हैं। और आगे देख लेते हैं बच्चों, ये जो तरंगे हैं इनसे जो उत्पादन होगा उसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे, क्योंकि हमें इन चीज़ों का उपयोग करना है तो हमें पता होना चाहिए कि इनके उपयोग से हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं और क्या नुकसान होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ होता है तो उससे फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, हालाँकि कभी फ़ायदे ज़्यादा और नुकसान कम होते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधनों से हमें फ़ायदा जितना है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान भी है, हालाँकि हम फ़ायदे पर ज़्यादा फोकस करते हैं और नुकसान की तरफ ध्यान नहीं देते, जबकि आपको पता है कितनी ज़्यादा बीमारियाँ, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन, कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ये सारे इन्हीं सारे कारणों से हो रहे हैं। तो हमें फायदा कम नुकसान ज़्यादा है, लेकिन हमें सिर्फ फायदा ही फायदा दिखाई देता है या हम सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं। तो हमारे जो नवीकरणीय संसाधन हैं ये हमारे लिए फायदेमंद ज़्यादा हैं और नुकसान हमारे लिए बहुत कम करते हैं। तो हम इनके गुण और दोषों दोनों को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं तरंग ऊर्जा के गुण क्या हैं।
तो गुण क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं ये, यानी कि कभी ना समाप्त होने वाले सोर्सेज हैं, हम इन्हें हमेशा उपयोग में ला सकते हैं। दोष क्या है? कुछ ही स्थानों के लिए उपयुक्त हैं, यानी कि हमें हर जगह प्राप्त नहीं हो सकते और ये संसाधन हर देश को प्राप्त नहीं हो सकते। जिन देशों के पास कोस्टल एरियाज होंगे सिर्फ उन्हीं को इस तरह के विद्युत उत्पादन करने की क्षमता होगी, जिनके पास कोस्टल एरियाज नहीं है या स्थल अवरुद्ध देश हैं वो इस तरह की चीज़ों का फायदा नहीं उठा सकते हैं। और इस तरह आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति बहुत सारे देशों के पास है कि इनके पास कोस्टल एरियाज ही नहीं है। अगर कोस्टल एरिया नहीं होगा तो फिर वो इस तरह की चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये इसका एक तरीके से कहिए कि दोष है। दूसरा है पर्यावरण हितैषी है। अगर हम इससे विद्युत का उत्पादन करते हैं तो इसका पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं आता है, ये इसके गुण हैं। और इसके दोष क्या है? समुद्री पारितंत्र पर प्रभाव, यानी कि अगर वहाँ की चीज़ों से हम छेड़छाड़ करते हैं तो वहाँ के पारितंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है, जलीय पारितंत्र हो सकता है हम जो है डिस्टर्ब हो। अब ये कितना होगा वो तो आपके कार्य पद्धति या आपकी सतर्कता या आपके द्वारा किए गए काम से पता चलेगा, लेकिन पर्यावरण पर इसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। साथ ही प्रचुर मात्रा में और व्यापक रूप से उपलब्ध ये जो हमारे पास सोर्सेज हैं तरंगों का, जिनके पास कोस्टल एरियाज है, इनके पास ये व्यापक उपस्थिति है इनकी, जो हमेशा रहने वाला है, कभी नहीं समाप्त होगा, तो इनकी उपस्थिति जो है ये व्यापक है, बहुत है, इनका उपयोग किया जा सकता है। ये इसके दोष क्या हैं? निजी और व्यावसायिक जहाज़ों के लिए समस्या है। अगर हम इनका उत्पादन करेंगे जो है विद्युत उत्पादन के लिए, तो कहीं ना कहीं जो अन्य यातायात के साधन हैं, जो जहाज हैं, इनका यातायात प्रभावित होगा या इनको दिक्कतें हो सकती हैं। नेक्स्ट जो है आपका आसानी से उम्मीद के मुताबिक, मतलब हम इनका उपयोग कर सकते हैं, आसान भी है और जितना हमारी उम्मीदें हैं हम उनसे उतना ज़्यादा विद्युत उत्पादन कर सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं। निगेटिव और कौन सी इम्पैक्ट हैं? तो खराब मौसम में दक्षता पर असर होगा, यानी कि जब भी मौसम खराब होंगे तो इनकी दक्षता कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, क्योंकि जो तरंगे हैं ये भी खराब मौसम से प्रभावित होती हैं। और भी क्या है इसमें गुणों में? तो आसानी से उम्मीद के मुताबिक मिलेगा, भूमि पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, ये जलीय क्षेत्रों में होता है, साथ ही किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं तथा कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता। यहाँ से विद्युत उत्पादन के लिए हमें किसी अन्य ईंधन की जरूरत नहीं होती कि हम किसी ईंधन को लगा करके फिर विद्युत उत्पादन करेंगे। साथ ही इस तरह के विद्युत उत्पादन से कोई अपशिष्ट पदार्थ भी नहीं निकलता, कोई वेस्टेज भी नहीं निकलता जिसका निस्तारण हमारे लिए समस्या क्रिएट करे। तो ये सारे फायदे हैं। शोर एवं दृश्यता जो है ये प्रदूषण होता है, इससे क्या होगा? शोर और साथ ही दृश्यता प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, जो हमारी तरंगे हैं इनसे जो हम विद्युत उत्पादन करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे शोर और दृश्यता प्रभावित होगा। तो ये इसके फायदे हैं। आप देख रहे हैं फायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है, और अगर हम इनके लिए कुछ बेहतर उपाय निकाले तो इसमें से जो हमारी परेशानियां हैं ये कम हो सकती हैं। जैसे आप देखेंगे शोर और दृश्यता के लिए हम कुछ कर सकते हैं, साथ ही जो जहाज़ों की बात है इनकी समस्याओं के लिए भी हम कोई हल ढूंढ सकते हैं। तो अगर हम इनमें बेहतर काम करें तो बहुत सारे जो दोषे हैं वो समाप्त हो जाएंगे और हमें फ़ायदे ज़्यादा मिलेंगे, बशर्ते हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो, हमारे काम करने का तरीका अच्छा हो और हम सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके काम करें। तो ये आपके लिए ये जो टेक्निक है काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट है आपका ज्वारीय ऊर्जा। मैंने आपको बताया कि ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण की वजह से उठते हैं, जितनी ज़्यादा आकर्षण होगा उतनी ही ज़्यादा इनकी जो है उठने का और गिरने का दर होगा या उनकी ऊंचाई उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इनके उठने और गिरने से जो तटों पर आकर ये टकराते हैं या तटों तक आते हैं तो इनसे हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। ये कैसे करते हैं? ये बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोस्टल एरिया है और आपको पता है कि जो है इस तरह से भारत के पास कोस्टल एरिया है, यहाँ पे आप जानते हैं खंभात की खाड़ी है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है। तो हम कैसे करेंगे ज्वार से विद्युत उत्पादन? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये खंभात की खाड़ी है तो हम यहाँ पे विद्युत उत्पादन करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बांध बना देंगे। बांध बना करके यहाँ पे हम टरबाइन फिट कर देंगे और जब ये ज्वार जो आएगा, लहरें आएंगी, ज्वार आएगा तटों से टकराएगा, तो ये यहाँ पे आने के बाद जब टकराएगा तो इसका, जब इसको इधर जाने का जगह नहीं मिलेगा क्योंकि ये अंदर तक जाता था, अब अंदर जाने की जगह नहीं मिलेगा, वहीं तक आएगा, तो कहीं ना कहीं सारी लहरें आकर के वहाँ इकट्ठा होंगी और यहाँ का जो पानी लेवल है ये इस पानी लेवल से ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि अवरोध हो गया है, अवरोध करने की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहे हैं। अगर वो आगे चले जाते तो बाकी लहरें भी उन्हीं के पीछे चली जाती और फिर वो मेंटेन रहता, लेकिन हमने अवरोध उत्पन्न कर दिया तो अब जो भी लहरें आएंगी वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगी और इकट्ठा होने की वजह से इसका जो
वाटर लेवल है ये बढ़ जाएगा, जो दबाव है पानी का इस तरफ वो बढ़ जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब ये वाटर लेवल बढ़ जाता है और दबाव बढ़ जाता है, तो ऐसे में हम वहाँ पे जो बांध है उसको जो है हटा देते हैं, उसको खोल देते हैं, और फिर जो पानी है वो बहुत तेज़ी से टरबाइन को प्रेस करते हुए आगे की तरफ खाड़ी में बढ़ता है, और इस तरह से टरबाइन जो है वो हमारा घूम जाता है, और घूमने की वजह से हम विद्युत उत्पादन कर लेते हैं, और पानी जो है वो खाड़ी में चला जाता है। खाड़ी में जाने के बाद हम वापस से उस बांध को बंद कर देते हैं, और जो पानी है वो स्टोर हो जाता है, और जो पानी का लेवल है अब खाड़ी के अंदर वो बढ़ जाता है। खाड़ी के अंदर जो पानी है वो बढ़ेगा, उसका दबाव बढ़ेगा, तो हम वापस से उस बांध को खोलेंगे और टरबाइन को उल्टा घुमाएंगे, और फिर से जो पानी आएगा उसके थपेड़ों से हम विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं। तो इस तरह से ज्वारीय ऊर्जा से एक बार जो पानी जाता है उससे भी उत्पादन होता है, फिर खाड़ी के अंदर से जो पानी लौटता है उससे भी उत्पादन होता है। यहाँ पर टरबाइन एक बार जो है सही दिशा में घूमता है, और फिर पानी जब अंदर से वापस आता है तो ये उल्टी दिशा में घूम जाता है, और दोनों दिशाओं में इस पर जो है राउंडिंग होता है, और दोनों वाटर का हम यूज़ कर लेते हैं, जाते हुए पानी का भी और वापस लौटते हुए पानी का भी। इस तरह से ज्वारीय जो हमारी तरंगे हैं या जो ज्वार आता है, ज्वार भाटा आता है, उससे हम विद्युत उत्पादन कर लेते हैं। और ये मोस्टली आप देखेंगे इस तरह की जहाँ संरचना बनती है वहाँ पर ज्वार से विद्युत उत्पादन हम अच्छे से कर लेते हैं। तो भारत में खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या यहाँ के एरिया में आप देखेंगे ज्वारीय ऊर्जा से बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन होता है। तो ये अलग टेक्निक है, ये तटों के किनारे होता है, और ये आते और जाते दोनों वाटर से विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो वही यहाँ पे है बच्चों, ज्वारीय ऊर्जा परियोजनाएं ज्वार भाटा के उठने और गिरने से निकलने वाली ऊर्जा का संग्रहण करती हैं। इसके लिए ज्वार भाटा की लहरों की ऊंचाई 5 मीटर से अधिक होनी चाहिए। जो ज्वार भाटा की लहरों की ऊंचाई है ये अधिक होना चाहिए, और ये अधिक कब होगा, जब हम यहाँ पे अवरोध उत्पन्न करेंगे और जो तरंगे आएंगी वो टकराएंगी, और वो टकराती रहेंगी, फिर एक दूसरे को धक्का देते देते ये लहरें ऊँची होती चली जाती हैं, चूँकि इन्हें आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा है, रोक दिया जा रहा है, और ये बहुत तीव्र गति से आती हैं, और वो गति जहाँ तक संभव होता है वो जाता है, और फिर जब इनकी ताकत खत्म हो जाती है तो वहीं से ये स्लो हो जाते हैं और आराम से आते हैं। लेकिन वहाँ जाने के पहले इनको रास्ते में अगर रोक दीजिए तो ये जो गति है ये तीव्र होती है, तो लहरें बहुत ऊंची उठ जाती हैं, और बहुत ऊंची उठने की वजह से पानी का लेवल भी बढ़ जाता है, साथ ही दबाव भी बढ़ जाता है। और ऐसे में अगर हम बांध को अचानक से खोलेंगे तो टरबाइन पे बहुत तेज से धक्का मारते हुए जो वाटर है ये आगे की तरफ बढ़ जाता है, और टरबाइन बहुत तेज़ी से घूम जाता है, जिससे हमें विद्युत आसानी से उत्पादित हो जाता है। तो इसके लिए लहरों की जो ऊंचाई है ये कम से कम आप देखेंगे 5 मीटर होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, तभी जा करके प्रेशर बनेगा, तभी जा करके अच्छे से विद्युत उत्पादन होगा। तो इस तरह की आपको समझ में आ गया होगा, मैंने स्ट्रक्चर से समझा दिया है। इसके भी कुछ फायदे और नुकसान हैं। फायदा क्या है, यह एक अच्छे ऊर्जा स्रोत है, यानी कि जो कभी ना समाप्त हो, जिसका कभी क्षय ना हो, ऐसा सोर्स है हमारे पास। इसके नेगेटिव क्या पॉइंट है, इसका निर्माण लागत अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि हमें इसके लिए बांध बनाना होगा, मजबूत बांध बनाना होगा, और ऐसा बांध बनाना होगा जिसको हम उठा सके, गिरा सके, बार बार ये प्रोसेस हो सके, तब जा करके कहीं ये उत्पादन हम कर पाएंगे। तो इसमें जो लागत है ये ज़्यादा आता है। इसके अलावा फायदे क्या हैं, पर्यावरण हितैषी है, इन्वायरमेंट को इससे कोई नुकसान नहीं है। नुकसान क्या है, इसके संयंत्र कुछ चुनिंदा स्थानों पर ही लगाए जा सकते हैं। चुनिंदा स्थान मीन्स जहाँ पे ऐसे कोस्टल एरियाज मिलेंगे जहाँ पे खाड़ी जैसी संरचना बनेगी, वहीं पर ये लगा सकते हैं, ये समतल जगहों पर नहीं लगा सकते। अगर आप यहाँ करना चाहेंगे तो आपको कृत्रिम विधि से ऐसी संरचना बनानी होगी, अन्यथा आप यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा से उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी संरचना बहुत लिमिटेड जगहों पर मिलती है जहाँ से हम इनका उपयोग करके उत्पादन कर सकते हैं। ये क्या है, ये इसका दोष है। नेक्स्ट क्या फायदा है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है, यानी कि यहाँ से हम बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्वार भाटा दिन रात आते रहते हैं, तो जिनका उपयोग करके हम दिन रात विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। नुकसान क्या है, प्राकृतिक अवरोधक का कार्य करती हैं। जो एक प्राकृतिक प्रोसेस चल रहा था, जो लहरें आती थीं और आसानी से अंदर तक जाती थीं, हम कहीं ना कहीं उनमें अवरोध उत्पन्न करके प्राकृतिक अवरोधक तैयार कर देते हैं, तो ये इसके जो है निगेटिव पॉइंट हैं। ज्वार भाटा के कम ज़्यादा का अनुमान लगाया जा सकता है, ये जो प्रोसेस है इसमें हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज ज्वार ज़्यादा होंगे या जो है ज्वार भाटा जो है वो कम होंगे, क्योंकि पता है कि ये सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से प्रभावित होता है, तो ये हम पता लगा लेते हैं। साइंटिफिक जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनके द्वारा हमें पता चल जाता है कि आज ऊँचे टाइड्स आएंगे,
आपको पता है जब इस तरह की स्थिति बनती है, मौसम खराब होता है और हाई टाइड आता है, तो अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि समुद्र के किनारे जो लोग हैं वो ना जाएं या वहाँ से दूर हट जाएं, क्योंकि आज हाई टाइड आने वाला है। तो इस तरह की चीज़ों का अनुमान हम लगा लेते हैं, हमें पता चल जाता है, तो इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं और उससे बच भी सकते हैं, साथ ही उसका उपयोग करके और भी ज़्यादा विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो हाई टाइड होगा या लो टाइड होगा ये हमें पता चल जाता है, हम इसका अनुमान लगा लेते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। नुकसान क्या है? समुद्री पारितंत्र पर असर करता है, यानी कि ये पर्यावरण को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन समुद्र के पारितंत्र को कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि नदियों पर ऊंचे ऊंचे डैम बना करके पानी को स्टोर करके कृत्रिम झील जैसी स्थिति बनाई जाती है, और फिर उसका हम ऊंचाई बढ़ाने के बाद ऊंचाई से वाटर गिराते हैं और विद्युत उत्पादन करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक लोटिक पारितंत्र होने की वजह से जो जल का बहाव है वो प्रभावित होता है, जिसकी वजह से जो नदी का पारितंत्र है वो प्रभावित हो जाता है। ऐसे ही अगर समुद्रों में हम करेंगे तो कहीं ना कहीं समुद्री पारितंत्र को हम प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है आपका रख रखाव और खर्च अपेक्षाकृत कम है। जो ज्वारीय उत्पादन से हमारे बनते हैं विद्युत, इसमें रख रखाव और इस तरह की जो चीज़ें हैं इन पे खर्चा कम आता है, तो ये हमें फ़ायदा है। और क्या नुकसान है? वर्तमान में यह तकनीकी बहुत महंगी है, अभी हमारे लिए ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत महंगी है, हमें इसे लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, जो कि अपने आप में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि पैसा मतलब आप जानते हैं बहुत बड़ी चीज़ है। नेक्स्ट है आपका इससे कोई हानिकारक गैस नहीं निकलती। इस विधि से अगर हम विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं तो कोई भी हानिकारक गैस नहीं निकलती, जहाँ आप देखते जीवाश्म ईंधनों से एक खतरनाक गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण स्वास्थ्य और जो है पृथ्वी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर हम विद्युत उत्पादन करेंगे तो हमारे लिए कोई भी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। और क्या नुकसान है? ट्रांसमिशन मुश्किल एवं महंगा है। इसमें जो भी उत्पादन किया जाता है उसको स्टोर करना, फिर वहाँ से दूसरी जगह ले जाना, ये सब टेक्निक कहीं ना कहीं महंगी है और अभी हमारे लिए थोड़ी सी ज़्यादा एक तरीके से कहीं मुश्किल है। तो ये इसके कुछ जो है दोष हैं, इनमें से बहुत सारे दोषों को वक्त के साथ दूर किया जा सकता है और जो फ़ायदे हैं इनको बढ़ाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ भी हो, ये जो सोर्सेज हैं ये अपने आप में काफ़ी हद तक हमारे लिए अच्छी हैं और भविष्य में ये हमारे लिए बेहतर हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण। आपने देखा पहला है समुद्र की तरंगों से ऊर्जा उत्पादन, दूसरा है समुद्र के ज्वार से ऊर्जा उत्पादन, और तीसरा है समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण, इसको कहते हैं ओटेक। और ये जो ओटेक है ये इम्पॉर्टेंट है। ओटेक विद्युत संयंत्र केवल तभी परिचालित होते हैं जब महासागरों के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 1 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री जो है सेल्सियस का टेम्परेचर का अंतर हो। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि अगर कहीं पर समुद्र है, मान लीजिए आपका यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोस्टल एरियाज है, ये आपका समुद्र है, अरब सागर है, और अरब सागर में ये जो सतह का टेम्परेचर है यहाँ के टेम्परेचर से, और इसके अंदर 1 किलोमीटर जब आप अंदर जाएंगे तो यहाँ के टेम्परेचर में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। ये अंतर अगर नहीं है तो ओटेक ऊर्जा का उत्पादन आप नहीं कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय देशों में मिलता है, यानी कि वे देश जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में आते हैं, जहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा मिलती हैं या पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं, यहाँ पर समुद्र का जो तल होता है ये ज़्यादा गर्म हो जाता है। समुद्र का तल मीन्स कि वाटर के ऊपर का सरफेस का एरिया, नीतल मीन्स कि जल के अंदर बिल्कुल नीचे जो ज़मीन वाला इलाका होता है उसे नीतल कहते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही समुद्र का जो तल है, जो वाटर सरफेस है, जो वाटर लेवल है, इसका जो टेम्परेचर है उष्णकटिबंधीय इलाकों में सबसे ज़्यादा होता है या काफ़ी ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं सूर्य की किरणों का जो जाने का रेशियो है या जो टेम्परेचर का रेशियो है वो घटता जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट में हम 165 मीटर अगर ऊपर चले जाएँ तो 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है, धरती के अंदर अगर हम 32 मीटर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसे ही समुद्रों के अंदर जैसे जैसे हम जाएंगे तो ये धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है। और आप जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है ये 200 मीटर के बाद नहीं जाता और 200 मीटर के बाद समुद्र में अंधेरा पाया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे लेवल जो है वाटर का इस ऊपर के टेम्परेचर से 1 किलोमीटर के टेम्परेचर में काफ़ी अंतर उष्णकटिबंधीय देशों में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणों की वजह से ऊपर का जो एरिया है ये काफ़ी हद तक गर्म हो जाता है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे ऊपर का जो टेम्परेचर है ये मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है और इससे 20 यानी कि नीचे जाना है
आपको, तो कम से कम यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। 20 डिग्री सेल्सियस का अगर अंतर आ रहा है 1 किलोमीटर नीचे जाने पर, तो यहाँ से आप विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। इस तरह का अगर स्थिति नहीं बन रहा है तो आप यहाँ से विद्युत का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो गर्म सरफेस होता है, यहीं पे टरबाइन लगा करके या यहीं पर जो टेक्नोलॉजी जो भी हमारी मशीन है उसे हम फिट करके और यहाँ जो है जल वाष्प बना करके हम विद्युत उत्पादन करते हैं। साथ ही अंदर से जो ठंडा पानी है इसको हम खींच करके ऊपर लेकर के आते हैं और जो जल वाष्प बन करके ऊपर उठता है टरबाइन को घुमाता है, उस जल वाष्प को हम फिर से ठंडा भी कर देते हैं। और इस पद्धति से वाटर को फिल्टर भी किया जाता है, यानी कि पीने के पानी के योग्य बनाया जाता है। यानी कि विद्युत उत्पादन के साथ साथ ओटेक पद्धति के द्वारा हम पानी को फिल्टर करके पीने के उपयोग में भी ला सकते हैं। और इस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग लक्षद्वीप में बड़े पैमाने पर किया जाता है। वहाँ पर पीने के पानी का जो सप्लाई है ओटेक विधि से ही किया जा रहा है, यानी कि विद्युत उत्पादन भी किया जा रहा है साथ ही पीने के लिए पानी का सप्लाई भी किया जा रहा है। तो ये जो ओटेक विधि है ये तीसरे नंबर का आपका तरीका है कि हम समुद्र के जल से विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके आपके जो हैं समुद्र से विद्युत उत्पादन का है, जो कि अच्छा तरीका है, किफ़ायती है, आने वाले भविष्य में ये हमारे लिए जो है बहुत अच्छा सोर्सेज है विद्युत उत्पादन का। आगे देख लेते हैं बच्चों भूतापीय ऊर्जा। आप जानते हैं पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, कोर का टेम्परेचर ऐसा माना जाता है कि 6000 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, जो कि काफ़ी अधिक है। इसी के अलावा आप देखेंगे पृथ्वी के अंदर ऐसे बहुत सारे एक्टिव पदार्थ भी होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, जिसमें आप देखेंगे थोरियम है, आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे ईंधन जिनका हम नाभिकीय उत्सर्जन या नाभिकीय जो भी हमारी चीज़ें बनती हैं उनके उपयोग में लाते हैं, यूरेनियम, थोरियम, अन्य गैसें जो रेडियो एक्टिव होती हैं जिनके क्रिया करने से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी जैसे आप देखते हैं हमारी धरती के अंदर मैग्मा जैसे लिक्विड जो कि काफ़ी हार्ड टेम्परेचर पे होते हैं, ये सारी स्थितियां पाई जाती हैं। और धरती के अंदर जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। और ये जो टेम्परेचर है ये हम ज्वालामुखी उद्गार के रूप में देखते भी हैं कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो कितना ज़्यादा तप्त मैग्मा बाहर निकलता है जो कई 100 डिग्री सेल्सियस का होता है, अगर वो किसी भी चीज़ को टच कर जाए तो वो सारी चीज़ें राख हो सकती हैं। तो पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती है, इसीलिए इसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। इस ऊर्जा की उत्पत्ति मुख्यतः पृथ्वी के सर्वत्र जो है समान नहीं है, यानी कि ऐसी ऊर्जा जो है सर्वत्र समान नहीं है, लेकिन ये होती कैसे है, सर्वत्र जो है समाई हुई है यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम, ये सब रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जो कि टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर सकते हैं, ये सब आइसोटोप हैं के विकिरण और पृथ्वी के कोर में भरे उच्च तापयुक्त तरल पदार्थ मैग्मा की उपस्थिति से होता है। भूतापीय ऊर्जा किसकी वजह से है, तो ये जो आइसोटोप आप देख रहे हैं यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम के आइसोटोप, इनके क्रिया करने की वजह से भी टेम्परेचर होता है। साथ ही जो आपका तरल मैग्मा है इसके हीट होने से भी टेम्परेचर पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, जो हमारे भूमि के ताप को बढ़ाता है या भूमि के अंदर जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने का काम करता है, और इन्हीं को कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। आप देखते हैं ये जो मैग्मा बाहर निकलते हैं ये काफ़ी गर्म होते हैं, ऐसे ही आप देखेंगे जगह जगह गर्म पानी के स्रोत भी पाए जाते हैं जिनको गीजर कहते हैं, और इन सब से हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। इन सारे जो सोर्सेज हैं जहाँ से गर्म पानी निकलता है, जहाँ से गर्म इस तरह की चीज़ें निकलती हैं वहाँ से हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, इसी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और आप जानते हैं कि ये भी कभी समाप्त नहीं होने वाले संसाधन हैं जिनका उपयोग विश्व में किया जा रहा है। हालाँकि ये जो भूतापीय ऊर्जा के सोर्सेज हैं ये हर जगह समान नहीं है, जैसे हमने कहा कि समुद्र की तरंगे और ज्वार भाटा हर देश के पास उपलब्ध नहीं है, ऐसे ही जो भूतापीय ऊर्जा के संसाधन ये भी हर देश में हर जगह समान नहीं। जैसे भारत में आप देखेंगे कि आपके हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में यहाँ ये इस तरह की स्थिति बनती है, ऐसे अन्य क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बनती है, लेकिन सब जगह ये समान नहीं है। हर जगह आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, हर जगह से आप भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन करके विद्युत उत्पादन नहीं कर सकते। तो भूतापीय ऊर्जा भी सब जगह समान नहीं है, कहीं
कहीं इसकी उपस्थिति ज़्यादा है और कहीं कहीं इसकी उपस्थिति ना के बराबर है। तो ये है आपका भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा की दृष्टिकोण से भारत काफ़ी संपन्न है। बायोमास मीन्स होता है कि जो भी हमारे कृषि से अपशिष्ट निकलते हैं, जो हमारे उद्योग धंधों से अपशिष्ट निकलते हैं, जो हमारे घरों से अपशिष्ट निकलते हैं, इन सारे अपशिष्टों को, इन सारे कचरों से जो हम उत्पादन करते हैं, इसी को हम बायोमास ऊर्जा कहते हैं। और आप देख सकते हैं बायोमास एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जो वनस्पतियों एवं पशुओं के अपशिष्ट से बनता है। बायोमास से ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने जैविक परमाणुओं के रासायनिक बंधों के टूटने या जलने से होता है। बायोमास कैसे बनता है? तो चाहे वो पेड़ पौधे हो, वनस्पतियाँ हो, चाहे जो भी जीव जंतु हो, जब ये प्रकाश संश्लेषण वनस्पतियाँ करती हैं तो प्रकाश संश्लेषण के दरमियान आप देखते हैं जो वनस्पतियाँ हैं ये कार्बन लेती हैं, साथ ही प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है उसकी उपस्थिति में जल का उपयोग करके ये कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। और यही कार्बोहाइड्रेट सारे जीव जो हैं भोजन के रूप में लेते हैं और वनस्पतियों के अंदर भी संग्रहित होता है। तो इसी को जब हम अपशिष्ट होने के बाद जलाते हैं तो ये जो बॉन्ड बना हुआ था भोजन निर्माण के दरमियान, प्रकाश संश्लेषण के दरमियान, यही बॉन्ड टूटता है। और जब ये टूटता है तो इसी को हम क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण या सूर्य के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई हैं उन्हीं का हम वापस फिर से तोड़ करके उत्पादन करते हैं विद्युत के रूप में। तो अपने आप में इनडायरेक्ट वे में ये भी क्या है, सूर्य के द्वारा बनाए गए संसाधनों का ही हम बायोमास के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे है बच्चों कि जो परमाणु हैं इन्हीं का हम उपयोग करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो जो है एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाता है और फिर वो जब एडीपी के रूप में कन्वर्ट होता है तब फिर हम वो ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो इसी तरह से जो पेड़ पौधे हैं ये भी भोजन बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को संग्रहित करके, या कहिए कि कार्बन, हाइड्रोजन और आपका जो सूर्य का प्रकाश है इनकी उपस्थिति में जो भी भोजन बनता है यही जब टूटता है तो इससे फिर हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यही आपका बायोमास ऊर्जा कहलाता है। तो ये जो रासायनिक बंध है इनके टूटने या जलने से होता है। इस प्रकार बायोमास सौर ऊर्जा के अप्रत्यक्ष रूप को दर्शाता है, यानी कि ये भी क्या है, सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष रूप है। सौर ऊर्जा से हम प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और बायोमास को जला करके हम अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। बायोमास को ईंधन के साथ संयोजन में कम लिया जा सकता है जिससे दक्षता में सुधार तथा दहन अवशेषों को कम किया जा सकता है, यानी कि इनका हम उपयोग करके जैव ईंधन के साथ उपयोग करके जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं जिससे कि बहुत सारे जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं वो कम हो सकते हैं या घट सकते हैं। बायोमास का प्रयोग परिवहन में भी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। बायोमास का जो प्रयोग है ये परिवहन में भी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इसका उपयोग हम परिवहन या ऐसी चीज़ों को चलाने में भी कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोमास के स्रोत कौन कौन से हैं बच्चों? तो देख सकते हैं सीवेज। सीवेज मीन्स होता है आपकी जो नाले होते हैं, जो हमारे घरों से जो नगर पालिका के जो कचरे हैं, जो शहरों से निकलने वाले जो कचरे हैं, नालियां हैं, सीवेज, इनसे जो अवशिष्ट निकलता है उससे भी हम बायोमास के रूप में उपयोग करते हैं। साथ ही औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योग धंधे जो होते हैं बड़े पैमाने पे, उनसे अपशिष्ट निकलते हैं, जो है यूजलेस पदार्थ निकलते हैं जिनका उपयोग करके हम ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही नगर पालिका के ठोस कचरे या ठोस अपशिष्ट, इनका उपयोग करके बायोमास का उत्सर्जन कर सकते हैं। साथ ही जानवरों के अपशिष्ट, जैसे आप देखते हैं जो गोबर होता है, जो अन्य पदार्थ होते हैं, उनसे भी क्या होते हैं, इसका हम उपयोग करके बायोमास या ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही कृषि व घरेलू अपशिष्ट, हमारे कृषि से बहुत सारे जो देखेंगे अनाज के पौधे होते हैं, अनाज के जो अन्य पार्ट होते हैं, उन सब का उपयोग हम करके बायोमास ईंधन उपयोग कर सकते हैं। जैसे गन्ने की खोई, जैसे कि धान की भूसी, जैसे कि आप देख सकते हैं गन्ने का जो बचा हुआ डंठल, या कहिए कि गेहूं के बचे हुए जो उसके बॉडी पार्ट होते हैं, धान का जो बचा हुआ डंठल होता है, इस तरह से बहुत सारे कृषि अपशिष्ट हर साल खेतों से निकलते हैं जिन्हें या तो जला दिया जाता है या इधर उधर वो कचरे के रूप में पड़े रहते हैं। तो अगर हम इन्हें जलाएं ना या इधर उधर फेंकने
की बजाय इनसे ऊर्जा का उत्पादन करें तो ये सब क्या कहलाएंगे, बायोमास कहलाते हैं। खास करके विकसित कंट्रीज़ में भी आप देखेंगे कि वहाँ पर तो और भी ज़्यादा बड़े बड़े जो है खेतों में उत्पादन किया जाता है और उनसे जो अवशिष्ट निकलते हैं उनको या तो जलाया जाता है या तो फिर उनको बायोमास के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये सारे जो हैं आपके बायोमास के सोर्सेज हैं, इन्हीं का हम उपयोग करके बायोमास या ऊर्जा, इस तरह की जो ऊर्जा का उत्पादन है वो करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है आपका सोलर सिटी, यानी कि सौर ऊर्जा शहर, ऐसा शहर जो सौर ऊर्जा से ही चले, यानी कि जो शहर होगा वहाँ का हर चीज़, चाहे वो दुकान हो, चाहे घर हो, चाहे फैक्ट्री हो, स्कूल हो, या वहाँ का चिकित्सालय हो, या वहाँ के रोड लाइट हो, या वहाँ के परिवहन हो, सब कुछ जो हो वो सौर ऊर्जा से संचालित हो, पूरा का पूरा जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य हो, ऐसे सिटी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। कि इस समय तो हमने 60 शहरों को लक्ष्य में रखा है कि हम 60 जो शहर हैं, जो सिटीज़ हैं, इन्हें सौर ऊर्जा से संचालित करेंगे। और ये छोटे और बड़े शहर हो सकते हैं, साथ ही ये एक राज्य से एक शहर कम से कम लिए जाने की बात की गई है, और एक राज्य से दो शहर भी हो सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन कम से कम एक राज्य से एक शहर तो होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जो पूरी तरह से वहाँ की सारी चीज़ें सौर ऊर्जा से संचालित हों। और ये अपने आप में बहुत ही अच्छा वर्क है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उस शहर में पॉल्यूशन कम होगा, उस शहर में अन्य जो समस्याएँ हैं वो कम होंगी, बीमारियाँ कम होंगी। तो ये जो सोलर सिटी है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। समय की मांग को ध्यान में रखते हुए नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सौर ऊर्जा शहरों के विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है, यानी कि समय का जो डिमांड है, वक्त क्या कह रहा है कि अब हमें ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए जो हमारे पृथ्वी को, हमारे जीवन को, हमारे इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखें, इनको नुकसान न पहुँचाए। और इस डिमांड को देखते हुए हमारी जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, इन्होंने कहा है कि अब हम ऐसे 60 शहरों का जो है, या ऐसे 60 शहर को इन्होंने अपना जो है कहिए कि नोटिस किया है या उसको चिन्हित किया है कि इसको हम पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित बनाएंगे। तो ये कौन कर रहा है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कर रहा है। और ये क्या करने वाले हैं, तो ये सौर ऊर्जा शहरों का विकास कार्यक्रम शुरुआत की है। देश के शहरी क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए 60 शहरों को सोलर सिटी बनाया जा रहा है, जो छोटे और बड़े कोई भी शहर हो सकते हैं, लेकिन हर जो राज्य है वहाँ ज़रूर होंगे, एक राज्य में कम से कम एक शहर जो होगा वो सोलर पर आधारित होगा। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये भारत और फ्रांस के सहयोग से शुरू किया गया है, अपने आप में काफ़ी सराहनीय काम था, जिसके लिए हमारे पीएम और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं दोनों लोगों को संयुक्त रूप से जो है एक तरीके से कहेंगे बहुत अच्छा उस समय का अवार्ड मिला था, इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, हीरो ऑफ एनवायरनमेंट इस टाइप से कुछ उनको मिला था अवार्ड इस काम के लिए कि उन्होंने, यानी कि फ्रांस और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने इस तरह का संगठन बनाया है कि जो उष्णकटिबंधीय देश हैं, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच आने वाले जो देश हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो ऊर्जा का उत्पादन है ये सौर ऊर्जा से करें, सोलर ऊर्जा से करें। और ये पहल भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया है, और इसमें आप देखें कि 121 देश के सहयोग से संगठन बनाया गया है, जिसका शुभारंभ भारत व फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया। इस जो है गठबंधन का शुरुआत किया गया है फ्रांस के पेरिस में, कब, 30 नवंबर 2015 को, लेकिन इसका जो मुख्यालय आप देखेंगे हरियाणा के गुरुग्राम में है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है ये आपके हरियाणा के गुरुग्राम में है, ये हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है। 1 दिसंबर 2015 को हुई इस गठजोड़ की पहली बैठक, 22 देशों ने इसमें हिस्सा लिया, जब पहला बैठक हुआ तो 22 देश इसमें शामिल हुए हैं। इस गठजोड़ का उद्देश्य स्वच्छ सौर ऊर्जा उत्पादन को रफ्तार देने के साथ वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है। एक तो हम सूर्य से जो ऊर्जा उत्पादन है उसको रफ्तार देना चाह रहे हैं, उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, साथ ही हम ग्लोबल वार्मिंग को, जलवायु परिवर्तन को कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवाश्म ईंधन से जो गैसें निकलती हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे लिए काफ़ी हानिकारक हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये उष्णकटिबंधीय देशों के सहयोग से स्थापित संगठन है, जिसमें भारत और फ्रांस जो है ये लीड रोल में है, और ये 15 से 2020 के दरमियान
ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रतिनिधित्व करेंगे ये भारत और फ्रांस करेंगे, और इसके लिए सारे देश मिल करके जो है एक कोष बनाएंगे और उस कोष का उपयोग करके सौर ऊर्जा उत्पादन करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों की निर्भरता होगी वो सोलर ऊर्जा पर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी बात को ध्यान में रख करके ये संगठन बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। नेक्स्ट है भविष्य की ऊर्जा यानी कि नवीनतम ऊर्जा स्रोत। इन स्रोतों के अलावा और कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं जो आने वाले भविष्य में हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत बन सकते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि संलयन ऊर्जा। संलयन ऊर्जा आप जानते हैं कि जितने भी हमारे तारे हैं इसमें नाभिकीय संलयन होता है। आप देखेंगे सूर्य में भी हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। इसी तरह की संलयन प्रक्रिया करा करके फ्रांस में एक कृत्रिम सूरज बनाया जा रहा है, और इस कृत्रिम सूरज में जो है आप देखेंगे लगभग 35 देश शामिल हैं, और इस जो है बड़ी परियोजना में भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और देखेंगे रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ये इस तरह के महत्वपूर्ण जो देश हैं ये लीड रोल में हैं। और एक कृत्रिम सूर्य बनाया जा रहा है, नाभिकीय संलयन कराया जाएगा वहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम का, और उससे बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा, और उस ऊर्जा से जो है यूरोपीय कंट्रीज़, क्योंकि यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है, साथ ही जो अन्य देश हैं उसका उपयोग करेंगे, जो कि स्वच्छ ईंधन होगा, जो एक तरह से नवीकरणीय ऊर्जा होगा जो कभी नहीं समाप्त होगा, क्योंकि नाभिकीय संलयन से बड़े पैमाने पे ऊर्जा का जो है विमुक्तिकरण होता है, या बड़े पैमाने पे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसको ध्यान में रख करके फ्रांस में एक कृत्रिम सूर्य बनाया जा रहा है, और ये भविष्य का एक बहुत ही बेहतरीन काम है। हालांकि अगर हम इसे बेहतर तरीके से कर ले जाते हैं तो बहुत सारे देशों के जो ऊर्जा संकट है ये दूर हो जाएगा। साथ ही ये स्वच्छ तकनीकी है, जिससे ना पर्यावरण को कोई नुकसान होगा और ना ही किसी के स्वास्थ्य को कोई नुकसान होने वाला है। हालांकि जब फ्रांस में ये सूर्य बनेगा तो आसपास के जो देश है वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं वहाँ की पारिस्थितिकी थोड़ी बहुत जरूर प्रभावित होगी। तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि सूर्य से क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। फिलहाल तो इस तरह के जो काम है शुरू कर दिए गए हैं। आपने देखा है कि जो चाइना है इसने भी अपने कृत्रिम जो है चांद और सूर्य जैसी चीज़ें बना लिया है या बना रहा है। तो इस तरह के जो कार्यक्रम है अब जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। नाभिकीय संलयन ये भविष्य का जो है आपका ऊर्जा का सोर्स है, यानी कि संलयन ऊर्जा जो है ये सूर्य और सभी तारों की ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन के समस्थानिक जो है ड्यूट्रियम तथा ट्राइटियम के परमाणु के संलयन से हीलियम बनती है, और परमाणु विखंडन से 4 गुना ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। फ्रांस में एक ऐसा महत्वपूर्ण रिएक्टर बनाया जा रहा है जो नाभिकीय संलयन पर आधारित होगा। यह संलयन आधारित बिजली के व्यावसायिक उत्पादन के लिए आवश्यक एकीकृत प्रौद्योगिकी सामग्री और भौतिकी के नियमों का परीक्षण करने वाला पहला संयंत्र उपकरण होगा। इस परियोजना से भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया सहित 35 देश शामिल हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी सराहनीय काम है जो इन सारे देशों के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है बच्चों आपका शैवाल आधारित जैव ईंधन। आप जानते हैं जैसे हम बायोमास से जो है ईंधन का उत्पादन कर सकते हैं, ऐसे आपको पता है कि पृथ्वी का लगभग 3 हिस्सा जो है ये जलमंडल है, और उस जलमंडल में बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं शैवाल। तो इन शैवालों से भी हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं या ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। हालांकि ये टेक्निक अभी बहुत महंगी है, इस पर और भी ज़्यादा शोध और रिसर्च करने की ज़रूरत है, लेकिन ये टेक्निक भी शुरू हो गया है। इसको भी लोग जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसका भी उपयोग कर रहे हैं, और ये जो है समुद्रों के शैवालों को ही जो है जला करके या उसका उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन ऊर्जा, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन ऊर्जा को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आने वाले भविष्य में जो आपका हाइड्रोजन है ये बड़े ऊर्जा का सोर्सेज बनेगा या स्रोत बनेगा, और ये एक स्वच्छ ईंधन है और एक नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स भी है। और हाइड्रोजन जलने से जो है आप देखेंगे पानी निकलता है या जल प्राप्त होता है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन के जलने से कौन सा उप उत्पाद मिलता है हमें, तो वाटर मिलता है, जल मिलता है जो कहीं से भी नुकसानदेह नहीं है। तो आने वाले भविष्य में हाइड्रोजन भी हम
जो है ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करने वाले हैं, और एक स्वच्छ ईंधन है, भविष्य का ईंधन है। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी हैं इन पर वर्क चल रहा है। अब कौन सी टेक्नोलॉजी कितना आगे जाएगी और क्या परिणाम लेकर के आएगा ये तो आगे भविष्य ही बताएगा, लेकिन आने वाला जो भविष्य है ये हमारा नवीकरणीय संसाधनों पर आधारित होगा। और जितने ज़्यादा हम नवीकरणीय संसाधनों का विकास करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा देश डेवलप करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही आपके जो है जीवन से काफ़ी कुछ संबंधित है। तो आज के लिए रहने देते ही बच्चों, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कीजिएगा। आज हमारा एनवायरनमेंट जो है वो समाप्त हो रहा है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने आपको बहुत विस्तार पूर्वक सारी चीज़ें बताई हैं। इसको बार बार रिविज़न कीजिए, पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बाकी हम फिर से कुछ नया सब्जेक्ट आपको जो है प्रदान करेंगे, आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, और फिर हम नेक्स्ट डे हम नए क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे और बेहतर प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।